आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो, तो क्या हुआ? तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रहे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एसके एक्सपर्ट पे। दोस्तों आप लोग को ये वाला वीडियो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला वीडियो दोस्तों टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है वीडियो दोस्तों, आग की तरह दोस्तों ये वीडियो फैल रहा है। गाइस अगर आपको भी इस तरह का वीडियो बनाना है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आज मैं दोस्तों आपको मैं बताऊँगा कि जन्नत जुबेर के साथ में दोस्तों आप इस तरह का वीडियो दोस्तों कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। सो फ्रेंड्स अगर आपको इस तरह का वीडियो बनाना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह का वीडियो को हम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स ये जन्नत जुबेर का जो वीडियो दोस्तों आपको बनाना है तो सिंपली आपको देख सकते हैं दोस्तों मैंने बनाया था, और दोस्तों आपको भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से एक्टिंग कर लेना है। पहले दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ग्रीन पर्दा की जरूरत पड़ेगा। सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको वीडियो को शूट करना है और कैसे दोस्तों एडिट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस काइनमास्टर एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सिंपली आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, और यहां से दोस्तों आप देख सकते हैं 16.9 का रेस्क्यू सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से दोस्तों मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों सिंपली मैं यहाँ से दोस्तों जन्नत जुबेर का दोस्तों वो वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस वीडियो को दोस्तों हम एडिट करेंगे यानी बनाएंगे। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों उस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आपको अपना वीडियो को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों लेयर के ऑप्शन पर चले जाइए, मीडिया के ऑप्शन पर चले जाइए, और यहाँ से दोस्तों मैं अपना उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस वीडियो से दोस्तों मैंने जन्नत जुबेर का वीडियो बनाया था। तो दोस्तों सिंपली मैं यहाँ से दोस्तों मैं एक्स्ट्रा जो पार्ट है दोस्तों सिंपली यहाँ से दोस्तों मैं इसको कट कर देता हूं ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे। यहां से मैं सिंपली इसको यहां से कट करने के बाद में यहां पर दोस्तों मैं इसको लेकर आता हूं। यहां पर लाने के बाद में दोस्तों सिंपली मैं इसको घुमा देता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं। दोस्तों मेरे पास ग्रीन पर्दा नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरे पास में दोस्तों ये देख सकते हैं मैंने अपनी दीवार को इस तरह से पेंट कराया है। तो दोस्तों आपके पास में कोई भी दोस्तों दीवार हो लेकिन क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए दोस्तों दीवार। अगर वाइट भी है तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दीवार पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए फिर से, और यहाँ से दोस्तों आपको इस तरह से दोस्तों देख सकते एक्टिंग कर लेना है। देख सकते दोस्तों एक्टिंग इस तरह से आपको कर लेना है। सो गाइज एक्टिंग करने के बाद में आपको क्रोमा की ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों की कलर जो है जिस तरह आपका दीवार है जो कलर, वही कलर को दोस्तों आपको यहाँ पर भी सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा दीवार जिस कलर का था तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आपको क्रोमा की के ऑप्शन पे जो है इनेबल का ऑप्शन, इसे इनेबल कर देना है। सो गाइस आप इनेबल कर दोगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं दोस्तों अपने वीडियो को पहले यहां पे सेट कर लेता हूं, फिर इसमें और दोस्तों सेटिंग करेंगे। सो गाइस इस तरह से मैं अपने वीडियो को सेट कर लेता हूं, इसे छोटा करके थोड़ा सेट कर लेता हूं, और सेट करने के बाद में फिर से क्रोमा की के ऑप्शन पर चले जाता हूं। यहां से दोस्तों मैं इसको थोड़ा ऐसे हाइट थोड़ा कर देता हूँ, ब्राइटनेस तेज कर देता हूँ ताकि दोस्तों अच्छा दिखे। यहाँ से दोस्तों इसको ऐसे करके आप अपने वीडियो को दोस्तों अच्छा लुक दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ से दोस्तों इसको कर दीजिएगा। अब दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पर देख सकते हैं इसको थोड़ा सा ये दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर इसको मैं दोस्तों सिंपली क्रोमा की ऑप्शन पर जाता हूँ, इसको थोड़ा और कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों ताकि अच्छा तरह से दोस्तों ये थोड़ा कम हो जाए। सो गाइज इसको मैं पहले ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा इस तरह से ताकि दोस्तों अच्छी तरह से ये हो जाए। सो गाइज ये हट नहीं रहा है क्योंकि दोस्तों मेरे पास दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम था दोस्तों वीडियो शूट करने का, लाइट वाइट भी कम था दोस्तों। तो आप अच्छी तरह से ग्रीन पर्दे के साथ में दोस्तों आप वीडियो शूट कर लीजिएगा। वीडियो शूट करने के बाद में दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसको एक बार प्ले करके। पहले इसको दोस्तों मैं इस वॉइस को बंद कर देता हूँ, आप भी अपने वॉइस को बंद कर दीजिएगा। यहाँ से दोस्तों मैं प्ले करके दिखाता हूँ। आज भी आप हमेशा तो अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो, तो क्या हुआ? तो एटलीस्ट ये वीकेंड तो हम साथ रह सकते हैं ना। सो गाइस इसी तरह से आपको दोस्तों वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद में दोस्तों एडिट कर लीजिएगा। एडिट करने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करके एक्सपोर्ट करके आप अपने गैलरी में इसको दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह का दोस्तों ट्यूटोरियल चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं या बता सकते हैं दोस्तों आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। सो गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।